नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आज आजमगढ़ में अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं पूर्वांचल जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का स्वागत अभिनंदन आजमगढ़ शहर में स्थित गंगोत्री होटल में किया गया। और शिल्पकार अपने संबोधन में कहा कि पूर्वांचल में अधिक से अधिक सीट जीतने का मंत्र भी कश्यप द्वारा दिया गया है। और श्री कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को सदा सम्मान भाजपा में मिला है और मिलता रहेगा। आप लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करें। निश्चित रूप से जो जनहित के कार्य बाकी हैं वह पूरे किए जाएंगे। आप लोगों का सम्मान सदा भाजपा में बना रहेगा। और क्या कुछ कहा सुनिए और परिचय बताएं। हमारा नाम श्री मोहन शिल्पकार है। मैं अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं पूर्वांचल जनमोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारे आजमगढ़ के धरती पर इस उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद भारत सरकार श्री नरेंद्र कश्यप जी का चुनावी माहौल में विधानसभा चुनाव में उनका आगमन हुआ। उनके आगमन का स्वागत और अभिनंदन के लिए हम लोग आज गंगोत्री होटल पहुंचकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने का उनके द्वारा मंत्र दिया गया और अधिक से अधिक सीटों को पूर्वांचल में जीतने का हम लोग सफल प्रयास कर रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्पक्षतापूर्वक अपना वोट बैंक पोल करेगा, वोटिंग करेगा। साथ में पिछड़ा वर्गों के भी लोग खड़े होंगे और आजमगढ़ का जो सदर सीट है जो 40 वर्षों से एक बरगद के पेड़ की तरह खड़े हैं, प्रत्याशी हैं, वो निश्चित रूप से इस बार ढह जाएगा और पूरे प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अति पिछड़ों के सम्मान में हम लोग हमेशा समर्थन करते हैं। अति पिछड़ों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है शायद कोई कर पाएगा। समाज के मैं अपने लोगों अपने कार्यकर्ताओं से पुनः अपील करता हूँ, दिनांक 7 तारीख को अपने मतों को सबसे पहले मतदान करें, फिर उसके बाद जलपान करें ताकि समय से चुनाव संपन्न हो सके और अधिक से अधिक मतदान करें, जिसमें अपनी भूमिका निभाए हमारे समाज के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाऊँ। मैं इसी के साथ अपने बारे में विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान, जय पूर्वांचल जनमोर्चा।